जो प्रदूषण और शोर शराबे में ओझल हो गए थे, सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें भी आ रही हैं। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं, दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं। इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियां सदा स्वच्छ रहे, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं।